राजस्थान के टोंक में कांग्रेस के सचिन पायलट और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी कहे जाने वाले अकेले मुस्लिम उम्मीदवार और प्रदेश के मंत्री यूनुस खान के बीच मुकाबला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूनुस खान ने दावा किया कि वो किसी एक कौम के नेता नहीं बल्कि 36 कौम के नेता हैं। यूनुस भाई बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी मुझे पता चला कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है आपका। चुनाव है, चुनाव में तो कार्यक्रम ही होते हैं। हाँ, तो बात सही है, आप बहुत अनूठे हैं, नायाब हैं। क्या बात है, मजे आ गया साहब। और ये 200 में अकेले हैं, ये बात सच है? यानी अकेला मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, ये बात सही? देखिए, भारत में 125 करोड़ लोग रहते हैं, राजस्थान में 7.25 करोड़ लोग रहते हैं। मैं 10 साल से मंत्री हूँ और उस व्यक्ति को आप अकेला बता रहे हो? अरे क्या बात है, मंत्री पे बाहर कह रहे हैं, बड़ा तिलस्मी चेहरा है। कोई तिलस्म नहीं है सर है? मैं तो लोग जो है उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। मतलब उनका प्यार कैसे मिले, वो मेरे से खुश कैसे रहे, उस अंदाज में रहता हूँ। मैंने कभी मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो एक सामान्य परिवार है, किसान है, घर में फौजी लोग हैं, ऐसा वातावरण मिला तो सबके साथ। तिलस्म की बात ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो मेहता जी को टिकट मिला था, वो पर्चा भर दिया था, पोस्टर अभी होर्डिंग तब लगे हैं, वो लगे रह गए, टिकट आपको मिल गया, यही कह रहे थे। नहीं 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 नहीं, गजब है साहब, कोई तिलस्म नहीं है मेरे पास जी, कोई तिलस्म नहीं। ये जो है जी, आपको हमको एक चीज समझनी पड़ेगी जी, कि जब आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता आपको पसंद करनी चाहिए। आप क्या पसंद करते हो, आपकी पसंद कौन हो जाती है? पार्टी को भी तो पसंद करना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता, जनता, ये तीनों के साथ कैसे तालमेल बिठाओ, ये आपकी ड्यूटी है। मैंने सवाल पूछा था कि ऐसे सुना मुख्यमंत्री जी ने बुला दिया आपके लिए, आपका टिकट तो मुख्यमंत्री ने फाइनल किया, ये सही है क्या? देखिए, ये आपका सोच है। भारतीय जनता पार्टी में सारे निर्णय सामूहिक होते हैं, मुख्यमंत्री जी उसका हिस्सा है। पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चौथी बार डिक्लेयर किया। लेकिन अगर ये लड़ाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे सचिन हैं आपके खिलाफ, सचिन पायलट, अगर ये नागौर में हो रही होती, आपकी दंगल वहाँ हो रहा होता, तो ज्यादा मजेदार नहीं होता? नहीं, देखिए, मजा लेने के लिए राजनीति में नहीं आए। मजा लेने के लिए राजनीति में बड़ी देर बात खोले हुजूर, आपका प्रोग्राम ही हंसने वाला। सच्चाई तो ये हुजूर, नहीं सच्चाई इसको लगा था दौरा चल गया। सच्चाई मेरी बात सुनिए जी, सच्चाई ये बात है कि योगी जी और यूनुस खान के जो संबंध है वो आपको भी पता भी नहीं। योगी जी के जो खास यहाँ गुरु बैद्यनाथ जी है, उनका मैं शिष्य हूँ, एक बात। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हुआ तो उन्हीं के घर में रुका, उन्हीं के ठहरा और उनके साथ मेरे हस्ताक्षर हुए और उन्होंने मेरे को पूरी रात रोका और अभी भी वो मेरे लिए आएंगे, आप चिंता मत करिए। अच्छा चलिए, कांग्रेस में आ गए तो अब हमें कांग्रेस से योगी जी को छोड़िए, मैं इधर आ जाता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जाना है, बहुत देर हो गई। अंदर बड़ी आपकी गुफ्तगू लंबी चल गई आज, कल सुना कुछ आपके काफिले पर लोगों ने पथराव कर दिया था। ये देखिए, पथराव दो तरीके के लोग करते हैं, आपको भी पता है, आपको भी पता है, आपका भी बताए। एक तरीके के वो लोग जिनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्यों? आप जानते हो कौन लोग होते हैं। दूसरे वो लोग जब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मुझे बताइए, डेमोक्रेसी में वोट का महत्व है या पत्र का महत्व है, आपसे पूछ रहा हूँ। वोट का, आप वोट दे करके अपनी अभिव्यक्ति करिए ना, आप पत्थर क्यों फेंक रहे हो, आप पत्थर क्यों फेंकवा रहे हो, आप पत्थर फेंक वालों को आप साथ क्यों रख रहे हो? अरे आप प्रदेश के जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप चीफ हो, और अगर आपका समर्थक मतलब जो है प्रतिद्वंदी के पत्थर फेंकता है जी, मतलब सचिन जी मैं उसी पे आऊंगा, बाद में आऊंगा, लेकिन और क्या साहब, हाँ। पढ़े लिखे को फारसी क्या साहब, मैं आऊंगा, सीधे सीधे सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ हुजूर अली कि उन्होंने कहा कि इसलिए हुआ ये कि सहानुभूति मिल जाए मुसलमानों की, 50,000 वोट है तो ये, अगर वो कह रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं, अभी मैं मेरा उनके समर्थन में आउट हो जाता हूँ, अगर ये बात वो नहीं कह सकते, वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन चर्चा खास है कि मुस्लिम 50,000 वोट कोई छोटा मोटा वोट नहीं होता भाई साहब, 50,000। आप मेरी बात सुनिए, आप तो बात करिए 224,000 की। मैं मतलब किसी एक कौम का, एक धर्म का नेता नहीं हूँ, 36 कौम, यूनुस खान
यूनुस खान की 20 साल की राजनीति की कमाई एक ही है कि इसको 36 कौम पसंद करती है, सब धर्म के। किसान है, किसान है, किसान है।